हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि मैं चैप्टर पिछले वीडियो में कंटिन्यू कर रहा था, उसकी कुछ और चीजें बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको दो समुच्चयों ए और बी के घातीय गुणन ए क्रॉस बी का ज्यामिति निरूपण तथा तीर आलेख निरूपण बताया था। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए थे, और आपसे बोला था कि आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रमेय बताने वाला हूँ। उन प्रमेय की मदद से आप एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैंने प्रमेय दी हुई है, प्रमेय एक, तीन समुच्चयों ए बी तथा सी के लिए सिद्ध कीजिए। मेरे पास तीन समुच्चय हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी तथा कैपिटल सी। इनके लिए हमें सिद्ध करना है दो पार्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और दूसरा सिद्ध करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये नियम है, इन प्रमेयों को हम यूज करेंगे आगे चल के। तो इसके पहले इनका सत्यापन मैं देखूंगा, है ना। तो सत्यापन बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए और बी का घातीय गुणन यानी ए क्रॉस बी, या बी तथा ए का घातीय गुणन बी क्रॉस ए। तो स्टूडेंट्स, जो ए क्रॉस बी होता है या बी क्रॉस ए होता है, वो स्टूडेंट्स एक नया सेट होता है, और उस सेट में जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं ए और बी का घातीय गुणन करूं या बी और ए का घातीय गुणन करूं, तो हमें एक नया समुच्चय प्राप्त होगा, और उस समुच्चय के जो अवयव होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। मतलब ए और ए क्रॉस बी से क्या प्राप्त होगा, एक सेट प्राप्त होगा, और उस सेट के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, एक्स कॉमा वाई के रूप में, है ना स्टूडेंट्स। जहां पे x बिलोंग करेगा किसमें, a में, और y बिलोंग करेगा किसमें, b में। तो x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b। तो देखिए, जब b और a का घातीय गुणन भी हम करेंगे तो फिर से हमें क्या प्राप्त होगा, नया समुच्चय प्राप्त होगा, और उस समुच्चय के जो अवयव होंगे वो होंगे क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि अगर हम दो समुच्चयों का घातीय गुणन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होते हैं। तो जब बी और ए का हम घातीय गुणन करेंगे तो एक नया समुच्चय प्राप्त होगा, और उस समुच्चय के जो अवयव होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो देखिए, इसका ऑर्डर्ड पेयर में क्या बना, अगर मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर पी कॉमन क्यू के रूप का बनाऊ, तो पी एलिमेंट कहां जाएगा, बी में, और क्यू एलिमेंट कहां जाएगा, ए में। तो पी बिलोंग्स टू बी, क्यू बिलोंग्स टू ए स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नोट स्टूडेंट्स, ये आपको यूज करना है, ये नोट आपको बहुत यूज करना है, कि अगर कोई ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर पेयर है क्रमित युग्म है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, क्रमित युग्म कहाँ बिलोंग करते हैं, क्रमित युग्म बिलोंग करते हैं ऑर्डर, सॉरी, क्रमित युग्म बिलोंग करते हैं किसमें, घातीय गुणन में बिलोंग करते हैं। देखिए, यहाँ पे कितनी एंट्री है, दो एंट्री है एक्स और वाई, और इनके बीच के में कॉमा लगा है। तो एक्स और वाई का जो क्रमित युग्म होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, दो समुच्चयों के घातीय गुणन में। पहला समुच्चय अगर मैं ए ले लूं और दूसरा समुच्चय बी ले लूं, तो अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है किसमें, ए क्रॉस बी में, तो इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग करेगा ए में, पहला एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट B इंटरसेक्शन C बराबर। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, A भी समुच्चय है, B भी समुच्चय है, C भी समुच्चय है। तो स्टूडेंट छोटे ब्रैकेट में ध्यान से देखिए,
पहले छोटे ब्रैकेट की चीज को ध्यान से देखिए, लिखा है बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स, बी भी समुच्चय है, सी भी समुच्चय है, तो दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन एक नया समुच्चय होता है कि नहीं? मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि जब मैं बी सेट और सी सेट का इंटरसेक्शन करूंगा तो एक नया सेट आएगा। अगर उस सेट को मैं नाम दे दूं स्टूडेंट्स डी, तो ये बना ए क्रॉस डी, बना ए क्रॉस डी। तो ए क्रॉस डी का मतलब, अगर मैं इसको बोलूं ए क्रॉस डी का मतलब ए भी समुच्चय है, डी भी समुच्चय है, और ये स्टूडेंट्स क्या है, कार्तीय गुणन। तो ए और डी का कार्तीय गुणन एक नया सेट देगा। तो वो सेट कैसे बनेगा? वो सेट बनेगा स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर से। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे? एक्स कॉमा वाई के रूप से, सच दैट जो एक्स कॉमा वाई होगा, ये किसका हम सेट लेकर फॉर्म बना रहे हैं, इस पूरे का। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये मैं आपको समुच्चय में बता चुका हूं कि किसी सेट ए, ए का जो सेट वेक्टर फॉर्म होता है वो कैसा होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a। तो बस इसी प्रकार हमने इसको लिख दिया, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि इनके कार्तीय गुणन से ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो मैंने इसका क्या बनाया, समुच्चय निर्माण को बनाया, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई कहां बिलोंग करता है, इसी। तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मुझे बस यहाँ सॉल्व करना है। तो x comma y such that, अब देखिए इसको आप b बोल सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप b बोले तो आपको ये नोट मिलेगा x comma y belongs to a cross b। इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए b बोल दूं, है ना, तो क्या बनेगा, x comma y belongs to a cross b। तो क्या बनेगा, x belongs to a, y belongs to b। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एक्स की जगह क्या, ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी की जगह क्या, बी इंटरसेक्शन सी। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये आ गया सेट की भाषा। सेट में मैंने आपको बताया था कि देखिए वाई बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन सी। तो जब बिलोंग का सिंबल लगा होता है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है तथा, क्या मतलब होता है, तथा। तो इसका मतलब क्या होगा ब्रैकेट में, y belongs to b तथा y belongs to c स्टूडेंट्स, है ना। अब मुझे क्या करना है, x belongs to a के साथ एक बार y belongs to b रखना है, और बीच में तथा लगा रहेगा, तो फिर x belongs to a के साथ क्या रखना है, y belongs to c। यानी ये क्या बना, x comma y such that x belongs to a comma, और यहाँ पर क्या, सॉरी comma नहीं, x belongs to a को इसके साथ, y belongs to b के साथ बीच में रहेगा तथा, और x belongs to a को एक बार किसके साथ, y belongs to c के साथ। अब स्टूडेंट्स थोड़ा आपको ध्यान देना है यहाँ पर, यही नोट उल्टा बन गया। तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई सच दैट, और ये जो एल एच एस चल रहा है वो आप लिखे रहेंगे, एल एच एस हम लेके चले थे, आर एच एस हम ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या, x सच दैट x कॉमा y बिलोंग्स टू, क्या एक काम करें, इस एल एच एस को हटा दें, हम ये पोर्शन लेके चल रहे हैं और ये पोर्शन ले रहे हैं। तो x कॉमा y यहाँ पर लिखा है x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो अगर x बिलोंग्स टू a हो, y बिलोंग्स टू b हो, तो x कॉमा y किसमें बिलोंग करता है, a क्रॉस b। इसको मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, x comma y belongs to a cross b, तथा यहाँ पर देखिए x belong कर रहा है a में, y belong कर रहा है c में, तो x comma y किसमें belong करेगा, a cross c में, इसी नोट के अनुसार। तो x comma y belongs to a cross c। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर b x comma y है, यहाँ पर b x comma y है, यानी एलिमेंट सेम है या ऑर्डर पेयर सेम है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है बिलोंग्स टू,
तो जब एलिमेंट सेम हो या ऑर्डर्ड पेयर सेम हो तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू लगा है और बीच में क्या है? तथा। तो तथा का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और तथा का मतलब क्या? इंटरसेक्शन ए क्रॉस। अब देखिए ये क्या है, एक्स कॉमा वाई से शुरुआत की थी, तो x comma y such that x comma y belongs to this, और ये भी एक पूरा सेट है। तो ये किसका सेट बिल्डर फॉर्म बना? a cross b intersection a cross c। आप चाहें तो इसको x बोल ले और इस पूरे को a बोल ले। तो क्या बना? x such that x belongs to a और x such that x belongs to a किसका सेट बिल्डर फॉर्म होता है? a का। तो अगर मैं इसको x बोलूं तो ये x है, ये भी x है, और इस पूरे को क्या बोलूं? a। तो बना x such that x belongs to a, तो ये किसका सेट बिल्डर फॉर्म है? a का। और यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है? a cross b intersection a cross c। तो स्टूडेंट्स मैं लेके क्या चला था? मैं चला था a cross b intersection c लेके चला था, और ले आया a cross b intersection a cross c। ये हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट भी सिद्ध कर देंगे। दूसरा पार्ट भी सेम एंड इट इज ही ट्रू होने वाला है, नॉट यही यूज करेंगे फिर से एक बार। तो दूसरे पार्ट में भी मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, ये पोर्शन लेके चलूंगा और ये ले आऊंगा पार्ट टू। पार्ट टू में मैं क्या लेके चल रहा हूँ? ए क्रॉस बी यूनियन सी को लेके चल रहा हूँ। स्टूडेंट फिर से ध्यान देखिए, छोटे ब्रैकेट में क्या है? बी इंटर बी यूनियन सी है, तो B भी समुच्चय है, C भी समुच्चय है, तो दो समुच्चयों का यूनियन एक नया समुच्चय होता है। तो इस नए समुच्चय को अगर D बोले तो यहाँ D आ गया और यहाँ A आ गया, और बीच में क्या लगा है? कार्तीय गुणन। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन एक नया समुच्चय होता है, और जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं इसका और इसका कार्तीय गुणन करूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। उस ऑर्डर्ड पेयर को मैंने ले लिया x कॉमा y सच दैट, और ये x कॉमा y किसमें बिलोंग करेगा? इसी में, पूरे में। तो a क्रॉस b यूनियन c है ना स्टूडेंट्स? अब ध्यान से देखिए, x कॉमा y सच दैट, इसको फिर से आप थोड़ी देर के लिए b बोल दीजिए, ये छोटे ब्रैकेट को b बोल दीजिए। तो बना x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ये पार्ट बना। इसका मतलब इसको क्या लिखें? x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b। तो x की जगह क्या? x है, belongs to a की जगह क्या है? a comma y की जगह y है, belongs to, और b की जगह क्या चल रहा है? b union c। और इसको सॉल्व करते ये चलता रहेगा, इसको ऐसे ही लिखा रहेगा, x comma y such that x belongs to a, और ये क्या लगा है? union, और ये क्या लगा है? belong। तो belong के केस में union का मतलब अथवा होता है, समझते हैं चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? y belongs to b अथवा y belongs to c। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? एक बार x belongs to a को इसके साथ रखेंगे और एक बार x belongs to a को इसके साथ रखेंगे। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? x comma y such that x belongs to a comma y belongs to b, x belongs to a comma y belongs to b। तो एक साथ रख दिया, बीच में लगाए अथवा, अथवा लिखिएगा, और फिर क्या रखेंगे? x belongs to a को किसके साथ? y belongs to c के साथ। तो x belongs to a comma y belongs to c। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, x comma y सच है, बाई तरफ ये लिखते रहना है आपको, ये लिखते रहना है, यहाँ पे ये चीज चल रही है। अब ध्यान से देखिए कि अगर x a में बिलोंग कर रहा है, y b में बिलोंग कर रहा है, ये लाइन देखिए, अगर x a में बिलोंग कर रहा है कॉमा y b में बिलोंग कर रहा है, तो x कॉमा y किस में बिलोंग करेगा? a क्रॉस b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, अथवा इसी प्रकार आप इसको भी लिख देंगे तो ये बनेगा x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, है ना? देखिए ये सेम है, x कॉमा y, x कॉमा y, बिलोंग का सिंबल लगा है।
ऑर्डर पे या सेम है, बिलोंग का सिंबल लगा रहा है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई एक बार बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए क्रॉस बी, और यहाँ तुम्हारा यूनियन और यहाँ पर ए क्रॉस। तो स्टूडेंट्स फिर से देखिए, मैंने सेट फिल्टर फॉर्म बना लिया, इसको फिर से आप एक्स बोल दें, ये फिर से x ही रहेगा, ये दोनों सेम है, और इसको क्या बोले a, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बन गया x such that x belongs to a, और x such that x belongs to a किसका सेट फिल्टर फॉर्म होता है, a का। तो यहाँ पे a का नाम क्या कर रहा है, ये बोल सकते, तो मैं क्या करूंगा अगली लाइन में साफ करके इसको लिख दे रहा हूँ, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। और यहाँ पर क्या मैं लेके चला था, मैं लेके चला था a क्रॉस B union C, बराबर क्या प्रूव हो गया, A cross B union A cross C, ये स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स ये थी प्रमेय एक, जो कि समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर आधारित थी, जो कि मैंने आज के वीडियो में आपको बताई ही है। आपको याद रखना है मैंने इस प्रमेय की प्रूविंग आपको बता दी है, आपको याद रखना है कि अगर तीन समुच्चय ABC हैं तो प्रमेय एक के अनुसार क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B, बीच में इंटरसेक्शन फिर A क्रॉस C, ये रिजल्ट यूज करेंगे हम लोग आगे चल के, और A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस C यूनियन A क्रॉस C। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है, आप इस चैप्टर में मैंने जो भी बताया है इस प्रमेय को भी आप एक बार प्रूव करके देख लें, बहुत ही सिंपल सी प्रमेय है। अब मैं इस चैप्टर को अगले दिन भी कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।